उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिनों से लगातार जारी है, जिसको लेकर के प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ सिलक्यारा टनल हादसे की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की राहत और बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। सीएम धामी ने कहा कि श्रमिकों के परिजनों से निरंतर समन्वय स्थापित कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इस समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने सभी विभागों को राहत और बचाव कार्यों में लगी टीमों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं, सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, वो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं।